नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध 23वें दिन भी जारी है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। वहीं कीव में रूस ने कब्जे की तैयारी और भी ज्यादा तेज कर दी है। यूक्रेन के मारियोपोल के पास रूसी सेना ने मार्च किया है। सशस्त्र बलों के साथ यहां पर बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन का प्रस्ताव नामंजूर हो गया है। वहीं भारत ने युद्ध रोकने की अपील की है। चीन को रूस की मदद करने पर अमेरिका की चेतावनी के बाद आज दोनों देशों के बीच संवाद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जंग के मोर्चे पर यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम एक्टिव हैं। रूस को हर मोर्चे पर करारा जवाब मिल रहा है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेनी जवानों के पलटवार में रूस के दो पावरफुल टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर ये रूसी टैंक को उड़ाया गया है। तो दो रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज 23वां दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच ये भीषण युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेनी जवानों के पलटवार में आपको बता दें, रूस के दो पावरफुल टैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये धधकती हुई आग आप देख रहे हैं, टैंक तबाह कर दिए गए। तो ये आपने देखा, दो रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। रूस यूक्रेन युद्ध का 23वां दिन और रूसी हमलों में लगातार यूक्रेन के कई शहर अब खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस को करारा जवाब दे रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले तेज किए हुए हैं। कीव में आपको बता दें, बीती रात क्या कुछ हुआ, शहर में मौजूद जी न्यूज संवाददाता अनस मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 23वां रोज है। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और रात गए जो कीव शहर है, जो दारुल हुकूमत कीव है जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पर हमलों का सिलसिला है वो जारी रहा है। रात गए तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब हमने देखा कि एयर रेड सायरन जो हैं वो रेजिडेंट्स ऑफ कीव ने सुने। उसके बाद धमाकों की आवाज़ आई। जो समझ में आता है वो ये कि वेस्ट ऑफ द सिटी में एक डिपो को टारगेट किया गया, जबकि मजीद तफसीलात जो हैं स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से जो मजीद तफसीलात हैं उनकी उनके बारे में अब तक जो है अवेट किया जा रहा है, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि वेस्ट ऑफ द कंट्री जो है लिवीव में, वहाँ पर भी एयर ओवरनाइट स्ट्राइक्स हुए हैं। कम से कम 4 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं और वो लैंड किए हैं उसी स्ट्रीट पर जहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है। ये बात कन्फर्म की गई है लिवीव के मेयर की जानिब से कि एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल महफूज है, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने यह भी कंफर्म किया है कि एयरपोर्ट के करीब ही ये धमाके हुए हैं। साथ साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं सदर यूक्रेन के, उन्होंने एक अस्पताल का दौरा किया है और वहां पर इंजर्ड जो जख्मी शुदा जो लोग हैं उनसे अपनी इजहार यकजहती किया है। वो ये अस्पताल वॉरजोन में मौजूद है जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से लड़ाई का सिलसिला जो है यूक्रेनियन फोर्सेस और रूसी फोर्सेस के दरमियान जारी है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। तो कीव से आपने हमारे रिपोर्टर अनस मलिक की रिपोर्ट देखी। और यूक्रेन पर रूस के हमले अब काफी तेज हो चुके हैं। लवीव एयरपोर्ट पर यह स्ट्राइक की गई है। सुबह लवीव एयरपोर्ट पर रूस ने यह हमला किया। तो लवीव एयरपोर्ट पर रूस की ओर से यह हमला किया गया है, ये एयर स्ट्राइक की गई है। वैसे तो हर शहर में हम देख रहे हैं गोलीबारी और बमबारी रूस की ओर से तेज कर दी गई है। जगह जगह एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। ये लवीव एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से धुएं का गुबार आसमान को ढकते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो लवीव एयरपोर्ट पर ये एयर स्ट्राइक। ग्रामजन, विद्वी पवित्रनी त्रिवोगे,
और यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियारों को नष्ट किया है। ओडेसा की 5वीं रिजर्व बटालियन ने तबाह किए हैं रूसी सैन्य उपकरण। यूक्रेनी सेना का नाइट्स ऑफ द विंटर कैंपेन। तो यूक्रेनी सेना की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। ओडेसा की 5वीं रिजर्व बटालियन ने तबाह किए हैं रूसी सैन्य उपकरण। ये रूसी हथियारों को नष्ट किया है यूक्रेनी सेना ने। तो यूक्रेनी सेना भी बहुत ही मजबूती के साथ सामना कर रही है रूसी सेना का। ये कई रूसी हथियार जिनको नष्ट किया गया है, 5वीं रिजर्व बटालियन ने तबाह किए हैं रूसी सैन्य उपकरण। Дрейк пішла. Іди. Та все, пиздаю. और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको दे दें। रूस ने डोनबास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया है। तो ये डोनबास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन, डोनबास ये वही इलाका है जो कि पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, जहां पर डोनेस्ट और लुहांस्क जिनको पहले स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया रूस की ओर से, और वहां डोनबास के ऊपर ये नो फ्लाइंग जोन बना लिया है रूस ने। हालांकि यूक्रेन की ओर से लगातार अपील की जा रही थी कि मदद दे, नेटो देशों की ओर से मदद दी जाए, नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन के ऊपर घोषित कर दिया जाए ताकि रूसी सेना को रोका जा सके, लेकिन इसके लिए नेटो देश तैयार नहीं थे। अब रूस ने डोनबास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया है। तो दोनों देशों की सेनाओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से कीव की ओर बढ़ते हुए रूसी टैंक नजर आ रहे थे उन तस्वीरों में, और रूसी टैंकों को तबाह करने में भी काफी हद तक यूक्रेन की सेना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। युद्ध अपराधी बताने पर भी रूस और अमेरिका के बीच तनातनी है। बाइडेन के बयान पर रूस का एक बार फिर से निशाना। बाइडेन के बोल अस्वीकार्य और अक्षम्य है, ये रूस की ओर से बात कही गई है। अमेरिका ने कई सालों से दुनिया में बमबारी की, तो युद्ध अपराधी बोला जा रहा था रूस को अमेरिका की ओर से, लेकिन वहीं अब पलटवार किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो युद्ध अपराधी पर यह अमेरिका और रूस के बीच खींचतान चल रही है, तनातनी नजर आ रही है। तो रूस की ओर से भी अब पलटवार कर दिया गया है कि बाइडेन भी दुनिया भर में बमबारी कर चुके हैं, और इस तरह से युद्ध अपराधी उन्हें घोषित करना अस्वीकार्य है, अक्षम्य है। और यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर भी गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर में बैठे रूसी सैनिक इलाके पर नजर रख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर लगातार वहां पर गश्त लगा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है ऊपर से और नजर रखी जा रही है। और जैसा हमने आपको बताया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने के बाइडेन के फैसले पर रूस अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है। रूस ने फिर से कहा है कि बाइडेन ने जो कहा है वो अस्वीकार्य और अक्षम्य है। रूस ने बाइडेन पर इल्जाम लगाया है कि एक देश के राष्ट्रपति कई सालों से पूरी दुनिया में लोगों पर बमबारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। पुतिन को युद्ध अपराधी बताने के बाद बाइडेन ने पुतिन को अब प्योर ठग और हत्यारा तानाशाह कहा है। तो बाइडेन ने पुतिन को अब प्योर ठग और हत्यारा तानाशाह, अब इस तरह के जो टर्म्स हैं अब उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, और लगातार उसके बाद फिर जवाब भी दे दिया जाता है। इससे पहले युद्ध अपराधी घोषित किया गया था
जो बाइडन ने रूस को युद्ध अपराधी बताया था कि जिस तरह से वहां पर नरसंहार किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों की मौत हो रही है, ये सही नहीं है। ये मामला हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिक गया था और अब ये बात काफी आगे बढ़ चुकी है। बाइडन ने पुतिन को अप्रिय ठग और हत्यारा तानाशाह कहा। Ireland and Great Britain the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. और युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के वित्त मंत्रालय पर प्रतिबंध लगाया है। 11 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विदेश मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। तो लगातार ये प्रतिबंध जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और रूस अब वो देश बन चुका है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। 11 रूसी बैंकों पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ये प्रतिबंध लगाए गए। पूरी दुनिया पिछले 23 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की भयानक तस्वीरें देख रही है। इस युद्ध में सैन्य ठिकाने ही तबाह नहीं हो रहे हैं बल्कि यूक्रेन के आम लोगों की जान भी जा रही है और इसीलिए अब अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति को वॉर क्रिमिनल बोलना शुरू कर दिया है, जबकि पुतिन यूक्रेन पर की गई सैन्य कार्रवाई पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। पुतिन बार बार अमेरिका को इशारा कर रहे हैं कि उन्हें बाइडन के बयान से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यूक्रेन में चारों तरफ मातम छाया हुआ है, यह इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। ये देखिए, सड़क पर अचानक एक रूसी टैंक से सैनिक निकलते हैं और यू टर्न लेकर जाने वाली कार को अपना निशाना बना लेते हैं। ये शख्स बताने की कोशिश भी करता है कि उसके पास हथियार नहीं है, वो अपने परिवार के साथ दिख रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और एक धमाके में सब तबाह हो जाता है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे रूस की सेना के निशाने पर निहत्थे नागरिक आ रहे हैं। मरियोपोल के इस अस्पताल में घायलों की चीख पुकार सुनी जा सकती है। दिल दहलाने देने वाले धमाकों के बीच ये घायल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बोलना शुरू कर दिया है और दुनिया पुतिन को विलेन के तौर पर देख रही है। दरअसल यूक्रेन के शहरों से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां लोगों की जिंदगियां भी रूस के हमलों का शिकार हो रही है। आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है, ये मारियोपोल के एक थिएटर की तस्वीर है। अब ये थिएटर रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है। मारियोपोल ड्रामा थिएटर की लाल छत के ठीक नजदीक एक शब्द लिखा है जिसका मतलब है चिल्ड्रन, यानी बच्चे। बम धमाकों से बचने के लिए यहाँ भी बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी, लेकिन अब बम गिरने के बाद सब कुछ तबाह हो चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ये तस्वीर तब ली गई जब रूसी सेना ने यूक्रेन के मरियोपोल में एक शक्तिशाली बम गिराया था। हालांकि रूस ने इसका खंडन किया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।